हे गाइस, वेलकम टू यूट्यूब चैनल क्रिकेट सच। दोस्तों मुकाबला हो रहा है वेस्ट इंडीज़ वर्सेस यूएई के बीच का मुकाबला। दोस्तों वेस्ट इंडीज़ पहले बल्लेबाज करते हुए 184 की पारी खेली 10 विकेट नुकसान पे। दोस्तों यह तीसरा ओडी मैच है जो कि वेस्ट इंडीज़ वर्सेज यूएई के बीच खेला जा रहा है। दोस्तों वेस्ट इंडीज़ ने यहाँ पे बैटिंग करते 36 की पारी खेली 3 विकेट नुकसान पे 25 ओवर पर 25 समाप्त। दोस्तों वेस्ट इंडीज़ नीज टू 50 रन के छत्तर होते हैं अभी 25 ओवर में। बहुत ही कम टारगेट मिला आज वेस्ट इंडीज़ को यूएई की तरफ से। 184 पे ऑल आउट हुई थी यूएई टीम। दोस्तों यूनाइटेड अरब अमीरात वर्सेस वेस्ट इंडीज़ बीच का मुकाबला बहुत शानदार है। यहाँ पे दोस्तों बात करेंगे वेस्ट इंडीज़ वर्सेस यूएई के बीच के फॉलो के परफॉर्मेंस किस तरह रहा इस मैच में। दोस्तों यदि बात करें वेस्ट इंडीज़ की तो 136 की पारी खेली थी बल्कि गिरे अब तक। वेस्ट इंडीज़ नीड टू 50 की जरूरत थी मात्र 25 ओवर में। 184 का भी टारगेट था उसकी जरूरत थी जीतने के लिए वेस्ट इंडीज़ को। दोस्तों यदि बात करें वेस्ट इंडीज़ टीम की बैटिंग की तो बहुत शानदार यहाँ पर देखने को मिला है। वेस्ट इंडीज़ अच्छा पकड़ने को मिला वेस्ट इंडीज़। बात करें बैटिंग की वेस्ट इंडीज़ वर्सेस यूएई के बीच का मुकाबला बहुत ही शानदार यहाँ पर है। वेस्ट इंडीज़ बात करें बैटिंग की 350 के टारगेट 50 ओवर में। जॉनसन कर्लेस 3 रन पे आउट हुए 10 गेंदों पे 3 रन बनाए 30 की 30 रेट। 4 जुलाई गेंद पे मोहम्मद एलिया पे विकेट हुआ था। जॉनसन कर्लेस अली का अत्यन 65 की पारी खेली यहाँ पे 45 गेंदों में 9 चौके 3 छक्के इस मैच में आए थे। शिमरा ब्रुक्स 39 की पारी खेली यहाँ पे 58 गेंदों में 39 बनाए थे 2 चौके बने 37 45 की 30 रेट। किरण सिकेटी 13 की पारी खेली 8 गेंदों में नॉट आउट। जोस्टन चीज कैप्टन 4 रन पे आउट हुए 7 गेंदों में 4 रन बनाए थे। काल बहुत ही शानदार है यहाँ पे 203 की गिरे 34 पे। वेस्ट इंडीज टी टॉप यूई एक्स्ट्रा मिले 12 रन यहाँ पे 25 रन पर उच्च समाप्त। जॉनसन केलेस 3 रन पे आउट हुए 10 गेंदों में। सुमरा ब्रुक्स 34 की पारी खेली यहाँ पे आउट हुए। क्रेसी केट 13 की पारी खेल नॉट आउट है। दोस्तों चीज नॉट आउट है यहाँ पे 4 की पारी खेल चुके हैं। दोस्तों बात करेंगे वैसे रायमो रेपर केविन हुड्स केमो पॉल यानी कर्लिन केविन सिंधु हकीम धारन बल्लेबाज के उतरेंगे। पहला विकेट 35 पहला विकेट जॉनसन क्रेस का 34 गेंद पे 101 दूसरा विकेट अलिक एथन का 15 चौथी गेंद पे 132 तीसरा विकेट सुमरा ब्रुक का 23 चौथी गेंद पे। दोस्तों इस मुकाबला बहुत शानदार है यहाँ पे बोलने की बात करेंगे। जुनैद सिद्दीकी जावर मोटेशन ने यहाँ पे 7 ही रन रही है। आयन अफजल खान 8 ओवर में 31 रन 2 विकेट यहाँ पर लिए है 4 की रन रही है। मोहम्मद जावदुल्ला 3 ओवर में 28 रन विकेट लिया है 9 की रन रही है। यहाँ पर रशीद 2 ओवर में 9 रन दिए 7 की रन रही है। रोहन भुस्तजा 3 ओवर में 18 रन दिए 6 की रन रही है। कार्तिक मेहतल 5 ओवर 20 रन दिए यहाँ पर 4 की रन रही है। तो 2 विकेट लगे अफजल खान ने 1 विकेट जावदुल्ला लिया था। यूएई वर्सेस वेस्ट इंडीज का मुकाबला बहुत शानदार देखने को मिला यहाँ पे। तो जीत के लिए यहाँ पे 185 की जरूरत है वेस्ट इंडीज टीम को यहाँ पे यूएई के खिलाफ। ये मुकाबला तीसरा ओडी मुकाबला है यूएई वर्सेस वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज का जीत का असर देखा सामने क्योंकि 185 रन है 185 रन बन चुके हैं। बहुत ही कम दूर है वेस्ट इंडीज टीम बल्लेबाजी अच्छी रही है अभी तीन विकेट खेले अभी तक इस मैच में वेस्ट इंडीज की जरूरत। दोस्तों आई पी एल के मुकाबले बाद अभी ओडी टेस्ट शुरू हो चुके हैं। पिछला मैच हुआ था इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया बीच का तीसरा दिन था बहुत ही अच्छे पंद्रह थे। वेस्ट इंडीज भी ऑस्ट्रेलिया भी आगे चल रहा है इंडिया से यहाँ पे आज का मुकाबला वेस्ट इंडीज वर्सेज यूएई के बीच मुकाबला बहुत शानदार देखने को मिला यहाँ पे। दोस्तों इससे मुकाबला बहुत ही शानदार और अच्छा दिखा है यहाँ पे। वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी बहुत अच्छी रही यहाँ पे 3 विकेट गिरे 132 रन तक थी गेंद की गिरे बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी अच्छी हुई यहाँ पे 2 विकेट लेते अफजल खान ने 1 विकेट लिया था। दोस्तों बात करेंगे वेस्ट इंडीज वर्सेज यूएई के बीच का मुकाबला। रायमो रेपर केविन हुड्स केमो पॉल यानी कर्लिन केविन सिंधु हकीम धारन बल्लेबाज के उतरेंगे। पहला विकेट 35 पहला विकेट जॉनसन क्रेस का 34 गेंद 102 विकेट अलिक एथन का 15 चौथे गेंद 132 विकेट सुमरा ब्रुक का 23 चौथे गेंद पे। दोस्तों इस मुकाबला बहुत शानदार है यहाँ पे बोलने की बात करेंगे। जुनैद सिद्दीकी जावर मोटेशन ने यहाँ पे 7 की रन रही है। आयन अफजल खान 8 ओवर में
ரித்தி சந்து விக்கெட்டை பள்ளியை சதங்கி கொடுமுறையே முகமத் ஜவதுல்லா தீர ஒன்று சொட்டை சந்தி விக்கெட்லேயே நோக்கி கொடுமுறையே அல் நஷீ டோடு நுழந்திய சாப்பிட்டு கொடுமுறையே ரோம் முஸ்தஜா தினமே அட்டாந்திய சேகி கொடுமுறைய கார்த்திக் மேப்பன் பாஞ்சு ஒரு பிசந்தி ஓப்பை சார்ஜி கொடுமுறையே தோசை தோ விக்கெட்டில் அப்துல் கான் ஏ விக்கெட் ஜவதுல்லா நிலையத்த யூஇ வர்சஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கலர் போல் சேர்ந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு சக்தியில் போய் சுற்றி சேர்த்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் இருக்கிற இப்போ யூஇ கிஸ்டில் என் காலை திசா அப்படி முகாலை யூஇ வர்சஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் வெஸ்ட் இண்டீஸ் கலர் சுற்று வசதி பசங்க வெஸ்ட் பிக்சர்ஸ் இருக்கிறாங்க வெஸ்ட் பிக்சர்ஸ் வந்துச்சுக்கே நூற்றி கம்மி தூரம் வெஸ்ட் இருக்கு கொஞ்சம் பயிர் சிறிய பற்றி முடிக்க கிரிய பற்றி சேர்த்து வெஸ்ட் இண்டீஸ் புதுசாக ஐபிஎல் முகாமில் பார்த்து அபி ஓடி டேஸ் ஒரு பேச வச்சுக்கே पिछला मैच हुआ था इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया जिसका तीसरा जो था बहुत ही अच्छा पंक्ति था वेस्ट भी ये ऑस्ट्रेलिया भी आगे चल रहा है इंडिया से ये पास करने वाला वेस्ट जो से जो है क्रिस कॉल बहुत शानदार देखने को मिला है दोस्तों इस मुकाल बहुत ही शान था वो अच्छा दिखा है यहाँ पर वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी बहुत ही अच्छी रही है यहाँ पर जिनकी ग्रेक्स बहुत ही शानदार थी गेंद की बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी अच्छी हुई यहाँ पर दो विकेट लेते अब्दुल खान ने विकेट जल्द ले लिया था दोस्तों बात करेंगे वेस्ट इंडीज वर्सेज यूए के बीच मुकाबला रायमो रेपर केविन हुड्स केमो पॉल यानिक कार्लिन केविन सिंधर अकेम डेरन बल्लेबाज के उतरेंगे पहला विकेट 35 पहला विकेट जोसन क्रिस का चौथे ओवर से गेंद पे 101 दूसरा विकेट हलिक एथमन का 15 ओवर चौथे गेंद पे 132 तीसरा विकेट सिमरा ब्रुक का 23 चौथे गेंद पे दोस्तों इस मुकाबले बहुत अच्छा रहा यहाँ पर बोलने की बात करेंगे जुनेट सिद्दीकी जवाब मिट्टे से नहीं यहाँ पर सात दिन रही है अन अफ्जल खान आठ ओवर में 50 सन दो विकेट अपने लिए चार रन पर मिली मोहम्मद जवदुल्ला तीन ओवर में 28 सन दिए विकेट लिया है नौ कदम रही है अल रशीद दो ओवर में 9 दिए सात कदम रही है रोहन मुस्तजा तीन ओवर में 18 दिए छः की कदम रही है कार्तिक मेपन पाँच ओवर 20 रन दिए वहाँ पर चार की कदम रही है दोस्तों दो विकेट लेते हैं अफजल खान ने एक विकेट जवदुल्ला ने लिया था यू ई वर्सेज वेस्ट इंडीज का पहला बहुत शानदार देखने को मिला यहाँ पर तो जीत के लिए यहाँ पर 85 जरूर थे वेस्ट इंडीज टीम को यहाँ पर यूई के खिलाफ ये मुकाबला तीसरा ओडिंग मुकाबला है यू ई वर्सेज वेस्ट इंडीज का जीत का असर देखा सामने क्योंकि 185 रन रहे 185 रन बन चुके बहुत ही कमर दूर है वेस्ट इंडीज टीम बल्लेबाजी अच्छी रही है बत्ती उनके घेरे अभी तक इस मैच में वेस्ट इंडीज की रोक दोस्तों आई पी एल के मुकाबले बाद अभी वो डिटेल्स शुरू बेच हो चुके पिछला मैच हुआ था इंडिया वर्सेज ऑस्ट्रेलिया जिसका तीसरा भी था बहुत ही अच्छे पंद्रह थे वेस्ट इंडीज ऑस्ट्रेलिया भी आगे चल रहा है इंडिया से यहाँ पर आपको वाला वेस्ट इंडीज यू एस मुकाल बहुत शानदार देखने को मिला है यहाँ पर दोस्तों इस मुकाल बहुत ही अच्छा था बहुत अच्छा दिखा है यहाँ पर वेस्ट इंडीज की बल्लेबाजी बहुत अच्छी रही है यहाँ पर दोनों ग्रेक्स बहुत ही जनता थी गेंद की गेंद बहुत ही अच्छी बल्लेबाजी और गेंदबाजी भी अच्छी हुई यहाँ पर दो विकेट लेते अब्दुल खान ने एक विकेट जवदुल्ला ने लिया था दोस्तों बात करेंगे वेस्ट इंडीज वर्सेज यूए के बीच मुकाबला रायमो रेपर केविन हुड्स केमो पॉल यानिक कार्लिन